वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं गिफ्ट बॉक्स। सो गाइस, आपको चाहिए नोटबुक के एम्प्टी कवर, जो मेरी नोटबुक भर गई थी तो मैंने उस इनको अलग कर लिया है इस तरह से। मेरे पास एक ग्लू है और एक येलो, और आपको चाहिए ग्लू, आपको चाहिए सीजर्स, टेप, पेंसिल एंड आपको चाहिए कुछ क्रिस्टल्स जिसमें इमोजी वाले भी हैं। सो गाइस, आपको ये जो कवर है इसको ओपन करना है। ये जो पीछे का साइड है ये बिल्कुल एम्प्टी है, तो चलिए यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ, मैं आपको पूरा बताऊंगी कैसे करना है। चलिए बनाने। तो गाइज, ये हमारा स्क्वायर बन गया है, तो चलिए अब हम इसको कट कर लेंगे। लेकिन गाइज, इसको ऐसे नहीं कट करेंगे, चलिए इसके अपर पार्ट भी बनाते हैं। इसके लेंगे, उसके लिए फिर से हम कुछ इस तरह से हमें अपर पार्ट बनाना है। इसको चारों साइड से ऐसे ही बना लेना हमें। और लॉन्ग कर देते हैं इसको। सो गाइस, ये पूरा मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो अब हम इसको कट करते हैं। चलिए इसको कट करते हैं। पर इसको यहाँ से हम अलग कर लेंगे। सो गाइस, अब फाइनल कर देते हैं इसको। चलिए तो गाइस, ये मेरा कट हो गया। चलिए अब इसको बेंड करते हैं। सो गाइस, ये मेरा जो बॉक्स बन रहा है, अब हम इसको टेप से सिक्योर कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा होगा फिर हम इसको कट कर देंगे। चलिए रटे। आपको इसको अभी हल्का हल्का सिक्योर कर देना है, फिर हम इसको अच्छे से कर देंगे। गाइस, तो मैंने टेप से इसको चारों तरफ से सिक्योर कर लिया है अच्छे से। चलिए अब ये जो एक्स्ट्रा कट जा रहा है वो हम कट कर लेते हैं। आपको इक्वली कट कर लेना जहां तक जा रहा है। सो
सो गाइस ये मैंने इसको बराबर काट लिया है, अब चलिए इसके कैप बनाते हैं। सो चलिए गाइस अब हम इसका कैप बनाएंगे। आपको वही वाला बॉक्स चाहिए जो आपने तैयार कर लिया था। सो गाइस इस बॉक्स को लेकर हमको क्या करना है, यहाँ पे बस हमको इसको रख के साइज नाप लेना है। तो चलिए पेंसिल से इसको साइज कर लेते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे बॉक्स ही नाप ले लिया है। अब हम इसको साइड से थोड़ा और बड़ा करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया था वैसे साइड से मैं इसमें थोड़े रेक्टेंगल ऐड करूँगी स्केल की हेल्प से। चलिए करते हैं। चलिए मैं इसको पूरा शेप ले लूंगी तब आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे पूरा शेप ले लिया है, तो चलिए अब इसको कट करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, तो चलिए अब इसको हम बेंड कर देंगे वैसे ही। चलिए इसको बेंड कर देती हूँ मैं। सो गाइस मैंने इस तरह से चारों तरफ से इसको टेप लगा के सिक्योर कर लिया और मेरा कैप ऐसे बन भी गया है। चलिए इस पे लगा के अभी हम और डेकोरेट करेंगे इसको। लगा देती हूँ और ये भी लग भी गया, बहुत क्यूट लग रहा है हमारा बॉक्स। सो मैंने यहाँ पे एक हार्ट बना के रखा था इसी ब्लू स्ट्रिप से। चलिए इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर जो हमारे पास इसमें का ब्लू क्रिस्टल है वो हम इसमें लगा देंगे। तो चलिए पेस्ट कर दें इसको। सो गाइस इसको ऐसे करके आपको बॉक्स पे चिपका देना है हार्ट को। सो गाइस अब हम इसमें लगाएंगे अपना ब्लू क्रिस्टल जो यहाँ पे है। तो चलिए लगाते हैं। मैंने इसको निकाल लिया है, बहुत क्यूट लग रहा है। इसके अंदर हम इसको लगाएंगे या फिर साइड में लगाते हैं। गाइस मैंने साइड में यहाँ पे लगा लिया, चलिए दूसरा भी लगा लेते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे लगा दिया है और ये रहा मेरा फाइनल बॉक्स जो कि बहुत क्यूट दिख रहा है। आप इसको क्रिसमस में भी यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज मैं लास्ट में ये कहना चाह रही हूँ कि आप इसको बना के ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स में भेजिएगा कि किसने किसने ट्राई किया है। बाय बाय गाइज।